रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में शुरू से शुरू करते हैं। रिटायरमेंट का मतलब है कि हमारे में से एक पार्टनर जो है वो प्रेस्क्राइब्ड डेट पर या प्रेस्क्राइब्ड एज पर वो रिटायर हो गया, एज पर अग्रीमेंट रिटायर हो गया। अब जब जाहिर है एक आदमी रिटायर होगा तो उसका हिस्सा जो है वो बाकियों को मिलेगा, ठीक है। जब एक आदमी रिटायर हो जाएगा तो उसका शेयर किसको मिलेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स। तो हम यहाँ न्यू पीएसआर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो न्यू पीएसआर के केस में पहला केस है जहां पर कुछ भी मेंशन नहीं है। आप केसेस नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर बीइंग टेकन बाय एनीवन, कुछ नहीं बताया। फॉर एग्जांपल ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:1, बी रिटायर हो गया, रेशियो रह गई 3:1, काम खत्म। ए रिटायर हो जाएगा, रेशियो रह जाएगी 2:1, सिंपल है। अब बात करते हैं अगर बी का शेयर कोई लेकर जा रहा है। व्हेन शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज टेकन बाय रिमेनिंग पार्टनर एक या पार्टनर्स सभी, हमने एक एग्जांपल लिया, इसमें न्यू रेशियो निकालेंगे ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। कैसे? एक एग्जांपल लिया, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, बी रिटायर हो गया, वेरिएंट वन है ए एंड बी टेक शेयर ऑफ बी, ए एंड सी टेक शेयर ऑफ बी। बी का जो शेयर था वो कौन ले रहे हैं? ए और सी। रेशियो नहीं मेंशन है तो ए और सी किस रेशियो में ले रहे हैं? 3:1 में। ए का गेन हो गया 2/6, 2/6 क्या है बेटा? बी का शेयर। ये बी के शेयर को 3/4 और बी के शेयर को 1/4 में बांटा है अपनी रेशो में 3:1। तो ए का गेन हो गया 2/6 × 3/4 कम्स टू 6/24। ये 6/24 हमने गेन जो है किसके शेयर में ऐड कर दिया? ए के शेयर में। ए का अपना शेयर क्या था? 3/6 प्लस 6/24 18/24। सिमिलरली सी का अपना शेयर था 1/6, 1/6 में कितना ऐड कर दिया? इसका गेन 2/24 तो 6/24। अब ए और सी कितनी रेशियो आ गई? 18:6 या फिर 3:1, राइट? नेक्स्ट वेरिएंट, ए टेक्स ओनली वन पार्टनर, मैंने कहा था पार्टनर या फिर पार्टनर्स, ये वाला पार्टनर्स वाला वेरिएंट है, ये पार्टनर वाला वेरिएंट है। यहां पे लिखा है कि सिर्फ ए ले रहा है किसका शेयर? बी का। बी का शेयर कितना है? 2/6, वही ए का गेन हो गया। जितना बी का शेयर है पूरा का पूरा ए का गेन हो गया। पहले तो ए और सी बांट रहे थे, अब तो कोई बांट ही नहीं रहा, तो पूरा शेयर किसका हो गया? ए का। तो ए का नया शेयर क्या होगा? ए का अपना शेयर प्लस गेन, गेन कितना है? 2/6, तो इसका शेयर हो गया 5/6। सी 1/6 पे ही रहा, सी में तो कोई चेंज नहीं आया, तो अब रेशो हो गई 5:1। ये केस है आपका। और इसमें गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं बेटा? गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, सिंपल। और एक रूल जो हमारा एडमिशन में भी चलता है, यहां भी चलता है, इफ न्यू रेशो इज नॉट गिवन ओल्ड रेशो इटसेल्फ इज द गेनिंग रेशो। इज दैट ओके अबाउट द रेशो? दैट्स इट। रेशो इसमें रिटायरमेंट में यही है।